तोबल एक अच्छी तरह से विकसित शहर है। ये मणिपुर में तोबल जिले का मुख्यालय है। शहर के अधिकांश महत्वपूर्ण स्थान तोबल नदी के तट के पास है। इसे खुली भूमि और धान के खेतों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण ये बहुत ही सुंदर है। शहर घूमने के लिए जगहों से भरा है और हर उम्र और हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। यह खरीदारी, लंबी पैदल यात्रा, ट्रेकिंग, पिकनिक और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अच्छी जगह है। तोबल में ऐतिहासिक महत्व वाले कोई मंदिर भी है। हरे भरे धान के खेत शहर के माहौल को पर्यटकों के लिए और अधिक मिलनसार बनाते हैं। ये जगह शहरी और ग्रामीण का एक आदर्श मिश्रण है। तोबल जिले की सबसे बेहतरीन स्थानों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। याइरीपोक को तोबल के प्रमुख गाँव में से एक माना जाता है। पहले ये मैतेई ब्राह्मणों का घर था और बाद में मणिपुर के मुसलमानों ने इसे बसाया। 1579 और 1652 के बीच बनी इमारतें काफी मशहूर है। यहाँ एक अखंड इमारत है जिस पर भगवान विष्णु के अवतार कुर्मो नामक कुचवी की नक्काशी की गई है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जंगली हाथी समय समय पर अपने भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। काकचिंग शहर का मुख्य कृषि नगर है। यह मछलियों, सब्जियों और चावल के व्यापार केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। आसपास कोई मंदिर स्थित है जैसे श्री कृष्ण चंद्र मंदिर, नरसिंह मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। लगभग 100 एकड़ भूमि पर काकचिंग एयरफील्ड का कब्जा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे पहले टियर फील्ड के नाम से जाना जाता था। होंगजोम का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि ये वो अंतिम स्थान है जहां स्थानीय लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने ब्रिटिश अकाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के बाद एक स्मारक बनाया गया था जिसे युद्ध स्मारक हॉल कहा जाता है। लोग आज भी हर साल 23 अप्रैल को वहां इकट्ठा होते हैं। इस दिन को होंगजोम दिवस कहा जाता है। लोकतक झील तोबल जिले के सबसे बड़े मीठे पानी के झीलों में से एक है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में तैरता हुआ बायोमास है और ये कार्बनिक पदार्थ वनस्पति और मिट्टी के मिश्रण से भी ढका हुआ है। इस मिश्रण को फुमदी के नाम से जाना जाता है। यह झील केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के भी नजदीक है। हिरणों की लुप्तप्राय प्रजाति संगाई इस उद्यान में रहती है। पीपुल्स म्यूजियम काकचिंग टाउन में स्थित है। इसे इस शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जाता है। यहाँ टोकरी, मिट्टी के बर्तन, सुंदर डिजाइन वाली लकड़ी के सीट जैसी चीजें देखने को मिलती है। कोई संगीत वाद्य यंत्र भी देखा जा सकता है। इनके अलावा जीवाश्म और युद्ध और शिकार के उपकरण भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। राजाओं और आदिवासी सरदारों की पारंपरिक वेशभूषा संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। तोबल तक हवाई जहाज, ट्रेन और सड़क यात्रा के जरिए पहुँचा जा सकता है। यह अपने बाजारों, आमतौर पर सड़क बाजारों का मतलब, के लिए काफी मशहूर है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन छुट्टी मनाने की जगह है जो एक सौम्य जलवायु और कोई गतिविधियों की तलाश में है। संक्षेप में कोई ये कह सकता है कि तोबल एक पारिवारिक छुट्टी के लिए एक आदर्श स्थान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे विभिन्न जगहों की जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।